हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल। अब तो आज का टॉपिक है अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट का है, जिसमें क्वेश्चन है सॉल्व फॉर पीआई, जिसमें क्वेश्चन दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स साइन एक्स। इसमें देखिए यहाँ पास प्लस साइन ही है, ये प्रोडक्ट साइन है, ये प्रोडक्ट वाला इक्वेशन है, तो ये थोड़ा डिफरेंट वे में सॉल्व होगा। तो हम लोग को इसमें सी एफ और पी आई दोनों निकालना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे। फॉर सी एफ तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग सी एफ या पी आई भी निकालना है, तो हमें पहले इस इक्वेशन को डी के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। इक्वेशन कैसे बन जाएगा, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन फिर ब्रैकेट बाहर वाई इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स साइन एक्स, ये हो गया ठीक है। अब इसका सी एफ निकालेंगे तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये होता है ठीक है। यहाँ से हम लोग अगर कैलकुलेटर से या खुद से भी निकालना चाहें इसके रूट्स क्या निकलेंगे, एम इक्वल टू वन वन, मतलब कि रूट्स आर रिपीटेड ठीक है, रूट्स आर रिपीटेड, रिपीटेड रूट्स हैं इसमें ठीक है, रिपीटेड रूट्स रहते हैं। तो इसके सी एफ कैसा बनता है, सी एफ इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ई पावर एक्स, ये हो जाता है ठीक है। ये हमारा सी एफ आ गया। अब निकालना है पी आई, तो पी आई के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो भी ये टर्म है इक्वेशन दिया है उसको वन अपॉन कर देते हैं ठीक है। तो यहाँ पास लिखेंगे वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन और फिर यहाँ ई पावर एक्स और यहाँ एक्स साइन एक्स। ऐसा देखिए मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म सेपरेट, उसके बाद एक्स साइन एक्स ये सेपरेट ठीक है। फिर इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो e पावर x को बाहर निकाल के 1 अपॉन डी, ये देखिए कैसे बन जा रहा है, ये 1 अपॉन डी बता रहा हूँ यहाँ पास, ये e पावर x यहाँ पास, और इसको हम लोग लिख सकते हैं जो e पावर x है तो इसका कोफिशियंट क्या हुआ, 1 हुआ ठीक है। तो 1 का हम लोग इसमें d में वैल्यू पुट करेंगे, d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 डी प्लस 1 फिर प्लस 1 ऐसे करेंगे, यहाँ पास हो जाएगा d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 डी प्लस 1 प्लस वन ऐसा करेंगे, और यहाँ पास एक्स साइन एक्स तो रहेगा ही ठीक है। ये वैल्यू हो गया, एक्स ही कोफिशियंट को हम डाला करते हैं हमेशा जहाँ जहाँ अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया रहता है। तो यहाँ पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगी ई पावर एक्स वन अपॉन डी स्क्वायर एक्स साइन एक्स, इतना आ जाएगा ठीक है। इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें अगर अच्छे से प्रॉपर वे में लिखें तो ई पावर एक्स है वन अपॉन डी स्क्वायर है, मतलब कि क्या हुआ, दो बार इंटीग्रेशन है, तो एक बार वन अपॉन डी ऐसे लिख देंगे और जो एक और जो डी है उसको हम इंटीग्रेशन साइन डाल देंगे, और यहाँ पास एक्स साइन एक्स डी एक्स वन टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको प्रॉपर प्रोसीजर से फॉलो करना है। मैं यहाँ इसको इंटीग्रेट साइड में करके रख चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ई पावर एक्स वन अपॉन डी लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इतनी आ जाएगी ठीक है। इसको हम लोग अगर अच्छे से लिखना चाहें, साइन टर्म्स को पहले लिखते हैं फिर कॉस टर्म को बाद में लिखते हैं, तो यहाँ पास वैल्यू हो जाएगी इसकी ई पावर एक्स वन अपॉन डी साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा ठीक है। अब हम लोग फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे पार्ट को डी से ठीक है। तो ई पावर एक्स वन फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन, अंदर क्या है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स फिर यहाँ डी एक्स। अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन नॉर्मल है ठीक है, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, फिर ये फिर से दो टर्म्स है प्रोडक्ट में एक्स कॉस एक्स, तो इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से करेंगे। तो यहाँ पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई पावर एक्स यहाँ माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स, ये देखिए इंटीग्रेशन था, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ माइनस कॉस एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट बाय पार्ट से, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई पावर एक्स यहाँ पास माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी ठीक है। आई होप सो आपको विजिबल हो, ये क्या है माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया। अब हमें उसको अगर प्रॉपर वे में लिखना चाहें सब्स्टिट्यूट करके, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो गया ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसमें देखिए माइनस कॉस एक्स एक साथ है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस टू कॉस एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पास हो जाएगा ई पावर एक्स माइनस टू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये हो गया। अब हम ये माइनस साइन को बाहर निकालते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ई पावर एक्स इतना हुआ, उसके बाद अंदर टू कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये हो गया ठीक है। तो ये आ गया हमारा पी आई ठीक है, ये माइनस ई पावर एक्स फिर ब्रैकेट में टू कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स ठीक है, ये हमारा पी आई आ गया। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विल बी वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये होता है सी एफ प्लस पी आई। तो हम सी एफ और पी आई को ऐड कर देते हैं, सी एफ क्या हमारा सी वन प्लस सी टू एक्स ई पावर एक्स फिर प्लस में, लेकिन यहाँ माइनस एन दिया तो माइनस डालेंगे, ई पावर एक्स फिर टू कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये आ गया। तो ये हमारी वैल्यू थी वाई की ठीक है।
ये हमारा cf और pi निकल गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। थैंक यू।